हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन आपके लिए सी एस आई एम सी क्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपके फरवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ एम सी क्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, आपका प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच इन द प्रोसेस। सो फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईटीएस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, एंड हमसे पूछा गया है क्या, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें पता करना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो कि ऑप्शन यहाँ दिए गए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे जो बात की जा रही है ये आपके लाइट रिएक्शन के रिगार्डिंग है। तो हमें सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो लाइट रिएक्शन है इसके अंदर जो आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है वो आपका आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो नॉन साइक्लिक आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो P680 है, P680 है जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होते हैं, जब लाइट आती है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी तो होंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। ये इंटेंसिटी की जब लाइट आती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक्साइटेड फॉर्म में आएंगे। तो ये क्या होंगे, ये देखो ये P680 से कहाँ जाएंगे, P680 से होते हुए ये जाएंगे फियोफाइटिन के पास। इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से किसके पास आएंगे, क्यू ए के पास। क्यू ए से किसके पास आएंगे, क्यू बी के पास। क्यू बी से ये किसके पास आएंगे, ये आएंगे साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से ये आएंगे साइटोक्रोम F के पास में, और साइटोक्रोम F से आते हैं किसके पास, प्लास्टोसाइनिन से। पर प्लास्टोसाइनिन से ये P680 के पास में नहीं आते हैं दोबारा, ये P680 के पास में नहीं आएंगे बच्चों। ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हुआ है। क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी आपको देखने को मिला है। यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे इसकी वाटर की स्प्लिटिंग हुई है। यहाँ पे है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि दो यहाँ पे सॉरी चार प्रोटॉन थे और प्लस चार इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर जो गए थे उनके फिल कर देते हैं। अब प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको देता है, हमें पता ही है, ये देगा आपके पीएस फर्स्ट को, आपके P700 जो कि क्या है हमारा पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट को देता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को दिया। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट भी तो एक्साइटेड हो रहा है, तो ये देखो P700 एक्साइटेड फॉर्म में ये किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है किसको, A0 को मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, A1 को फाइलोक्विनोन है, एंड देन ये देता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeXX को, देन FeSA को, और FeSA से किसको देगा, FeSB को देगा, FeSB को दे देता है। FeSB से ये इलेक्ट्रॉन किसको जाते हैं, फेराडॉक्सिन को जाते हैं। फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, एक एंजाइम है यहाँ पे FNR, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जो कि काम क्या करेगा FNR, ये एक तरह से दो आपके NADP+ को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, टू NADPH के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा होता है, ये एक तरह से हमारा क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, और इसी को हम बोलते हैं जेड स्किम पाथवे। इसी को हम क्या बोलेंगे, जेड स्किम पाथ। नाउ अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसी बिहाफ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच इन द प्रोसेस। देखो लाइट रिएक्शन में यहाँ पे आप देखोगे इधर इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर भी क्या होती है, ADP से हम क्या बनाते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं, और ATP और NADPH दोनों ही बनते हैं हम लाइट रिएक्शन के थ्रू। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए जिनको देख के हमें पता करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने वेरी फर्स्ट ऑप्शन में ए में बोला है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680 मूव फर्स्ट टू क्यूनोन, क्यूनोन के पास जा रहे हैं एंड देन फियोफाइटिन के पास में आ रहे हैं। जबकि ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो P680 से कहाँ गए, P680 से बचो गए फियोफाइटिन के पास, और फियोफाइटिन से क्यूनोन के पास में गए, क्यूए क्यूबी के पास में गए। तो ये तो एक तरह से गलत हो गया आंसर। देखो वैसे भी यहाँ पे तीन तीन के ऑप्शन में दे रहे हैं बच्चों, तो ए अगर गलत है तो ए यहाँ पर भी आ रहा है हटा दो, ए यहाँ पर भी आ रहा है हटा दो, ए यहाँ पर भी आ रहा है हटा दो। तो आंसर तो ए की मिनट में हमें पता चल गया कि आंसर हमारा फोर्थ होगा। आंसर ए के मिनट में पता चल गया कि हमारे को कि आंसर क्या है हमारा फोर्थ है। फिर भी हम तो सारे स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। देखो बी बी ऑप्शन बोला है P700 कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। जो P700 है, P700 है, ये इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, प्लास्टोसाइनिन से ले रहा है, पीसी से ले रहा है। यस डेफिनेटली सही बात है। एंड NADPH, NADPH इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। डेफिनेटली देखो NADPH एट द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये भी सही बात है। एंड द हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन गेट कंसनट्रेटेड इन थैलिकोइड ल्यूमन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आपने देखा होगा जो लाइट रिएक्शन चल रही होती है बच्चों, ये थैलिकोइड की ल्यूमन के ऊपर चल रही होती है। कहाँ पे ये जो लाइट रिएक्शन चल रही है थैलिकोइड की ल्यूमन के ऊपर चल रही होती है। यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ पर है हमारा है PS2, PS2 यहाँ पर है साइटोक्रोम B6F। कौन है, B6F कॉम्प्लेक्स, कौन सा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे मान के चलो हमारा कौन सा है, PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट है बच्चों, ठीक है फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ठीक है यहाँ पे आप बोल सकते हो 680 रिएक्शन सेंटर है, ये 700 रिएक्शन सेंटर है। तो जैसे ही लाइट आती है बच्चे यहाँ पे इस रिएक्शन सेंटर से, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसके पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से होते हुए इलेक्ट्रॉन जाते हैं P700 के पास। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये देता है यहाँ पे किसको, FNR को, किसको दे रहा है, FNR को। और FNR क्या करके जा रहा है, ये एक तरह से NADP+ को कन्वर्ट कर रहा है, NADP+ को कन्वर्ट कर रहा है NADPH के अंदर। डेफिनेटली ये हमारा क्या होता है, एक तरह से ETS होता है हमारा, थैलिकोइड के अंदर देखने को मिलता है। और ये हमारी क्या है, ल्यूमन है, ये क्या है, ल्यूमन। ठीक है अब जब लाइट आपके PS सेकंड को आ रही है, लाइट कहाँ आ रही है, PS सेकंड पे। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, इस जगह पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जो मैंने आपको बोला है ना 2H2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से हम 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस प्लस ऑक्सीजन इवोल्यूशन करते हैं। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, F0 F1 पार्टिकल। ये क्या होता है, F0 F1 पार्टिकल, क्लोरोप्लास्ट के लिए CF0 F1 पार्टिकल हम बोल सकते हैं। अब ये प्रोटॉन देखो, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इन्होंने ये तो बोला था हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन गेट कंसनट्रेटेड इन द थैलिकोइड ल्यूमन। तो क्या ये ल्यूमन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये बात भी एकदम सही बात बोल दी, यस ल्यूमन के अंदर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BCD ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।